एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यह एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये एक बीमारी है। उसको पागलपन नहीं कहते, मगर एक तरह की बीमारी है। और यह 15 साल के बच्चे जो है, मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ की शुरुआत दिखाई देती है। बर्ताव में कुछ तो भी फर्क है। एंटी सोशल पर्सनल डिसऑर्डर, इसका डायग्नोसिस निदान जो है वो 18 साल के बाद में होता है, मगर 15 साल से कुछ ना कुछ उसमें दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये बच्चे को लोगों के बारे में कुछ आदर नहीं होता, लोगों को टालते रहता है, लोगों का अपमान करेगा, और उसका बदलाव जो है वो ठीक नहीं रहता 15 साल से। और 18 साल से तो उसको डायग्नोसिस दिया जाता है कि भाई एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो इसमें यह कौन से मतलब इसके क्या क्या गुण हैं या क्या क्या अवगुण हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे। मैं भी आपको 7 पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसमें से कम 3 होना जरूरी है तो हम उसको कहलाते हैं कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नंबर 1, कि वह व्यक्ति ऐसा काम करता है कि जिसमें उसको पुलिस पकड़ सकती है और जेल भेज सकती है, ऐसे कामों में इन्वॉल्व होना। नंबर 1। नंबर 2, बार 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 झूठ बोलना। नंबर 3, भविष्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं होना, या सडनली कुछ तो भी एकदम क्रिया, अचानक कुछ तो भी कर लेना, मालूम ही नहीं होता कि ऐसा उसने क्यों किया, अचानक इम्पल्सिवली हो कुछ ना कुछ कर लेता है। नंबर 4, उसमें चिड़चिड़ापन और आक्रामकता होती है, लोगों के ऊपर वो आक्रमण करेगा, झगड़ा कर लेगा कुछ तो बातों में, तो ऐसा ये चौथा दुर्गुण है उसमें। कि ये पॉइंट है कि भाई आक्रमण करना, एकदम अचानक आक्रामक होना, ये चिड़चिड़ापन करना। नंबर 5, लोगों के या खुद के सुरक्षा के लिए लापरवाही, खुद को भी इंजरी हो सकती है, लोगों को भी इंजरी हो सकती है, उसके बारे में कोई ख्याल नहीं होना। नंबर 6 जो है वो है पैसे के बारे में या लोगों के व्यवहार के बारे में जो शब्द है, कि भाई उसके बारे में उसका शब्द देना पड़ता है किसको, तो पैसे के बारे में, कोई व्यवहार के बारे में वो शब्द का कभी पालन करेगा नहीं, बार 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 अपना शब्द बदलते जाएंगे। और नंबर 7, उसको पश्चाताप नहीं होगा, कोई गलत व्यवहार करता है, चोरी करता है, किसी को दुखी करता है वो, तो उसको कभी पश्चाताप होगा नहीं, वो हंसेगा उसको। तो ये 18 साल के ऊपर होना जरूरी है। शुरुआत इसकी 15 साल से होती है। कुछ ना कुछ बर्ताव के मतलब बदलाव में दिखाई देता है कि कुछ तो बर्ताव में बदलाव है। और इसका इलाज, ऐसा कोई इसमें दवाई नहीं है कि उसका इलाज गोलियों से करें, मगर इसका इलाज साइकोथेरेपी से, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से, सम्मोहन के माध्यम से इसका इलाज हो सकता है। तो ये ऐसे काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं कि जो एंटी सोशल है, मतलब समाज के विरोध में काम करेंगे। माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है ऐसे बच्चों को पालना। माँ बाप के कंट्रोल में रहते नहीं हैं, लोगों के कोई कंट्रोल में रहते नहीं हैं। माँ बाप को धौस मारते रहते हैं कि मैं निकल जाऊँगा, मैं छोड़ के चले जाऊँगा, या फिर मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो माँ बाप भी डरते हैं उनको कुछ बोलने के लिए कि नहीं भाई मर गया कल तो क्या करना। तो माँ बाप भी कुछ करते नहीं है, ये डिमांडिंग ज़्यादा होते रहता है, डिमांड करते रहता है, ये होना वो होना, और ऐसे इसमें माँ बाप तंग हो जाते हैं। और फिर वो हमारे पास में आते हैं कि इसको कुछ तो भी करो, इसको शॉक ट्रीटमेंट हो बोलते, इसको पकड़ो, इसको बांधो, इसको भर्ती करो, जो करना करो, हमारे हाथ के बाहर निकल गया, ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसका इलाज यदि शांति से पहले काउंसलिंग पेरेंट्स को करके, पेरेंट्स की काउंसलिंग करना जरूरी है, माँ बाप की काउंसलिंग करना जरूरी है, उनकी उनकी काउंसलिंग करके, बच्चों की काउंसलिंग करके ये बीमारी अच्छी हो सकती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।